शेल्डा, क्या बुराक लेट आएगा? हाँ, वो लेट हो जाएगा। दरअसल अदा की बर्थडे पार्टी है ना आज। ओह अच्छा, ऐसी बात है। आज तो वो सब अपने आप में ही पार्टी कर रहे हैं, लेकिन निहात अच्छा होगा अगर हम लोग कल साथ में डिनर करें तो। हाँ कर सकते हैं, तुम ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करती हो? हाँ मुझे अच्छा लगेगा, आखिर वो मेरी बेटी जैसी ही तो है, वैसे ही प्यार करती हूँ मैं उसे। हाँ तुम सही हो, तुमने उसका काफी ख्याल रखा है इतने सालों से। ओ निहात, आज भी मुझे उस औरत ने जो किया उस पर आश्चर्य होता है। मतलब एडा सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी, क्या वो औरत अपने बच्चों को मिस नहीं करती होगी? मैं तो सोच भी नहीं सकती, मैं अगर अपने बेटे को 2 दिन ना देखूं तो मैं उसे कितना मिस करती हूँ, पता है ना तुम्हें? उसने तो इतने सालों में कॉल तक नहीं किया बच्चों को। हाँ तो अच्छा है कि उसने कभी बात नहीं की उनसे, आखिर ऐसी इंसान उन्हें दे भी क्या पाएगी। नहीं निहात, मैं ये नहीं मान सकती। देखो माँ होना एक अलग बात होती है, मैं समझ नहीं पा रही कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। कोई बात नहीं, चलो मैं एडा को बर्थडे विश कर दूं। हाँ अंकल। हाँ एडा, दुनिया की सबसे सुंदर भतीजी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ थैंक यू, आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच अंकल। मैं बस तुम्हें फोन पर ही बधाई नहीं देना चाहता हूँ, हम जल्दी मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और तुम्हारे लिए तोहफा भी लिया है। बिल्कुल, आपने कॉल किया मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके डियर, तो जल्दी मिलते हैं। रुको एक मिनट, जरा सेल्डा से बात कर लो तुम। ये मेरी सबसे प्यारी बच्ची बोल रही है ना, मेरी सुंदर परी, हैप्पी बर्थडे, जल्दी ही मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है फिर बेटा, अपना ख्याल रखना, ठीक है, जल्दी मिलते हैं, बाय। ये बशर बार बार कॉल करता रहता है तुम्हें हर वक्त, और ये मुझे पागल कर देगा। निहात, पहले तो तुम्हारा फोन रातों को नहीं बजता था, पर अब देखो मुझे नहीं पता इसे क्या चाहिए। तुम्हारा दोस्त है कि पता नहीं कौन है, हर वक्त कॉल करता है, क्या चाहिए उसे? शेल्डा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब क्या बताना है? तुम परेशान ना हो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताना चाहा, पर यह बात सही नहीं है। क्या कह रहे हो? ये जो कॉल्स मुझे आ रहे हैं ये बशाक के हैं। तुम समझ गए ना कौन बशाक? बशक मतलब सिनान की एक्स वाइफ। हाँ हाँ वही। मुझे विश्वास नहीं होता, नाम लिया और शैतान हाजिर, अचानक ऐसा क्यों कर रही है वो? अब क्या चाहिए उसे? सच पूछो तो मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्यों। मैंने सिनान को अभी तक कुछ बताया नहीं है, वो एल्चिन और बच्चों के साथ खुश है। मैं उसे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं देना चाहता, पर ये खुद ही आई है तो फिर मैं क्या करूं बताओ? अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें कॉल करने की? इतने सालों बाद आखिर क्या चाहिए उसे? बच्चे यकीन नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि उसके वापस आने के इरादे नेक हैं। कुछ और बात है। क्या मतलब है तुम्हारा? जब बशाक और मैं मिले तो। तुम दोनों मिले? हाँ हम मिले थे, और होलिया ने हमें देखा था उस दिन। मैं बशाक के साथ था और मैं उससे बात कर रहा था। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था निहात, और तुमने मुझसे झूठ बोला ना? प्लीज, मुझे करना पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सेल्डा तुम मेरी बात सुनोगी क्या? कहां से आ गई ये बशाक बीच में? ये सब तुम्हारी वजह से। भाड़ में जाओ तुम। सेल्डा, चलो बाहर चल के कुछ पीते हैं। नहीं। तुम मुझसे गुस्सा हो या तुम्हें बाहर नहीं जाना है ये बताओ। निहात, अब मुझे तुम्हारे साथ और वक्त नहीं बिताना, समझ के? तो तुम गुस्सा हो? हाँ ठीक है ठीक है, बट ज्यादा नाटक मत करो ऐसे। नाटक? अच्छा आई एम सॉरी, तुम सही थी, मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था।
तुम्हारे सामने उस औरत का जिक्र नहीं करना चाहता था मैं, वरना जबरदस्ती मुझे तुम्हारे सामने झूठ बोलना पड़ता। तुम चाहती हो मैं ऐसा कुछ करूं? बोलो। निहाद, तुमने मुझसे आज तक कभी झूठ नहीं बोला था, आगे भी मत बोलना प्लीज। सेल्डा, कभी नहीं, ठीक है मेरी प्यारी बात। मेरी जान हो तुम, देखो तो जरा, तुम गुस्सा करती हो तो कितनी प्यारी दिखती हो। क्यूटी पाई, तो अब माफ कर दिया ना तुमने मुझे, हा? चलो आओ। Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.